हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS टाइल्स एंड मार्बल फिटिंग पर। गुम्मत हम किस तरीके से लगाते हैं, अंदर साइड का पूरा प्रोसेस बताएंगे हम आपको। अगर आप नए मिस्त्री हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है वीडियो। हम इसमें जो साइज़ बनाया है, हमने निकाला है इसका, वो हमारा 4 इंची चौड़ाई रहेगी और 6 इंची लंबाई रहेगी। हम इसमें ईंट चाल में लगाएंगे गुम्मत को। एक धार कटिंग करने के बाद हम इसकी गुनिया कर लेंगे दूसरी साइड से। आपको सिर्फ 2 धारें कटिंग करना है। अगर आपके पास छोटे पीस हैं तो फिर आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि आप धार कटिंग करें, क्योंकि हमारा ज़्यादा बड़ा पीस है और ये हमारा जो मार्बल है वियतनाम मार्बल है, बिल्कुल वाइट होता है ये। इसकी कटिंग 0 चिपिंग ब्लेड से करेंगे, नॉर्मल ब्लेड से नहीं करेंगे। जिस ब्लेड से आप ग्रेनाइट या सादा मार्बल काटते हो, अगर आप उससे कटिंग करोगे तो फिर इसकी धार काफ़ी झड़ेगी, आपके जॉइंट काफ़ी मोटे नज़र आएंगे। 4 इंच का हम फर्मा बांध लेंगे। हम 4 इंच पर पहले मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, जैसे ये हमारा 4 इंच पर मार्किंग हो गई। और जो हमारा जो दीवार से साइड से पीस रखा है 8-10 इंच का है लगभग, इस पर हम फर्मा बांधेंगे। और एक ही फर्मा बांधेंगे हम 4 और 6 दोनों इंच का। पहले हम 4 इंच का फर्मा बांधेंगे। जो हमारी ये पत्ती है, ये हमारी 4 इंच की है, मशीन की जो प्लेट होती है उसके बराबर है, उसके नाप के। सिर्फ हमें इसको पलट के लगाना होता है। ये उतनी ही कटिंग करती है जितनी हमारी मार्किंग होगी। जैसे पहले हमने 4 इंच फर्मा बांधे हैं, 4 इंच पर हम फर्मा बांधने के बाद हमारी जितनी भी पट्टियाँ चिरना है 4 इंच ही, हम सारी पट्टियाँ चीर लेंगे। ये हमारी 2 इंची पट्टी काटी है हमने, ये हमारी टाइल्स की या मार्बल की भी काट सकते हो। हम इसको फर्मे की पीछे साइड में, जो हमारी पत्ती है उसके पीछे साइड में लगा लेंगे। ये हमारा 6 इंची का फर्मा हो जाएगा। एक ही फर्मा हमारा दोनों काम करेगा। अगर हम टुकड़ी हटाते हैं तो हमारा 4 इंची का फर्मा है, अगर हम टुकड़ी लगाते हैं 2 इंची की तो हमारा ये 6 इंची का फर्मा है। इस तरीके से हम सारे पीसों को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम रफ़ करेंगे उल्टी साइड में। अगर आप रफ करोगे तो आपका ज़्यादा मजबूत चिपकेगा। पहले हम मार्किंग करेंगे 20 सेंटर की नीचे साइड से। दोनों साइड से हम नाप कर बराबर पर हम निशान लगा लेंगे। जैसे ये हमारा निशान लगा लिया मैंने 20 सेंटर पे, और ये हमारा लेज़र मार्किंग है।
इसको हमने बनाया है, किस तरीके से बनाया है पूरी डिटेल हम वीडियो में हमने बताई है। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिए। ये हमारा लेज़र मार्किंग है, किस तरीके से हम मार्किंग करते हैं इससे। अगर आप इस तरीके का जो गुम्मत होता है, गुम्मत पर हम धागा या सूत से मार्किंग नहीं कर सकते, हमें उसकी लेज़र लाइट की ज़रूरत होती है लेज़र लेवल की, इसलिए हमने इसको बनाया है। बहुत सरल तरीके से बनाया है, आप हमारी वीडियो देख सकते हो। वाइट मार्बल लगाने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं वाइट एडिसिव केमिकल वाइट और वाइट सीमेंट। ये हमारा केमिकल है वाइट एडिसिव और ये हमारा सीमेंट है वाइट, दोनों मिक्स कर कर हम लगाते हैं, क्योंकि अगर हम केमिकल से लगाएंगे तो फिर हमारे टुकड़े होने की वजह से वो हमारे हिल जाएंगे और हमारे प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाएंगे सारे पीस, इसलिए हम थोड़ा सीमेंट मिक्स करेंगे हमारा जल्दी सेट हो जाए इसलिए। और हम टोटल वाइट सीमेंट से भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम वाइट सीमेंट से लगाएंगे वो हमारा जल्दी सूख जाएगा सीमेंट। ये हमारा आधा गुम्मत है, पूरा फुल राउंड में गोल नहीं है। अगर आपका फुल राउंड में गोल है गुम्मत तो फिर आपको चौड़ाई सेम रहेगी, आप चौड़ाई बराबर काट सकते हो, लंबाई में आपको कम ज़्यादा पीस करना होगी। जब हम इससे सेट करते हैं तो ये हमारे छोटे बड़े होते हैं, इसलिए आपको हर एक पीस की अलग उसकी नाप रहेगी, एक बात का ध्यान रखें। और जब भी आप पीस लगाओगे उसके तो जो पहला नीचे का पीस होगा उसके 20 सेंटर से आपका जॉइंट आएगा। फुल राउंड की गुम्मत की हम बात कर रहे हैं, अगर आपका इस तरीके से गुम्मत है हाफ राउंड में तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, एक ही बार में 4-6 के पीस काट कर कटिंग कर लगा सकते हो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपको पहले सेट करना होगा, 4-6 टुकड़े आप पहले सेट कर लें उसके बाद लगाएं। जैसे आपने वीडियो में देखा पहले हमने सेट कर लिए फिर हम उसके बाद लगा रहे हैं, इससे आपको आसानी रहेगी जल्दी लगाने में।
जितनी ऊपर हमारे पीस लगते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी इसमें सांस स्पेस बढ़ता जाएगा, हमें इसको कम करना होगा। नीचे साइड में तो हम सिर्फ आड़े का स्पेस मिलाएंगे और ऊपर साइड में हम दो साइड का स्पेस मिलाएंगे, एक नीचे और एक बीच का साइड का। जैसे आप देख रहे हो मार्किंग हमने की है, हमारी ऊपर साइड से भी कटिंग हो रही है और नीचे साइड से भी हमारी कटिंग हो रही है। ये लक्कर हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इसकी रिपेयरिंग कर देंगे। जैसे आप देख रहे हो हम इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं और इसकी घिसाई पॉलिश अभी बाकी है, इस पर इल्ले वर्क भी किया जाएगा।